प्रदेश के ग्वालियर शहर में माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबूतर खाना हाट के पास रहने वाले दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष के लोग मामला दर्ज कराने के लिए माधवगंज थाना। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम के समय शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोग ने पहले पक्ष के घर पर पहुंचकर हमला किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे घर पर आकर गोली भी चलाई है। माधवगंज थाना प्रभारी अपने अन्य पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन कर जाँच कर रहे हैं कि आखिरकार गोली चली है या नहीं। वहीं इस मामले में माधवगंज थाना प्रभारी का कहना है कि हम पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गोली चलाने की सूचना आई है और उसकी जांच कराई जा रही है। ये कबूतर हाट से, तो उसमें यूसुफ मुसलमान और दूसरा है मुन्ना मुसलमान, इनके बीच में ये लोग आज कहीं थिगरा गए थे पार्टी वार्टी करने के लिए, तो वहाँ कुछ झगड़ा हुआ था और बाद में लौट के आने के बाद में यहाँ पे इनके घर पे कुछ झगड़ा हुआ है, उसके संबंध में ये लोग आवेदन दिए हैं तो उसकी जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया कुछ बड़ा चढ़ा के दोनों तरफ से बातें बताई जा रही हैं, तो उसको सही तस्दीक करके जो भी सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुना गोली चली? सुन, हम भी रहे हैं, आप ही लोगों से पता चल रहा है, लेकिन उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। अभी कोई मौके पर साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, केवल मौके की बातें बताई गई हैं, उसी की तस्दीक के लिए मेरी पुलिस वहाँ है, तस्दीक कर रहे हैं। सर, कोई FIR वगैरह भी दर्ज की गई है क्या? अभी जांच में है मामला और सही जांच होने के बाद सही FIR दर्ज की जाएगी। अभी कोई फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हुआ कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं। और एक अरुण करोसी है, एक साकिर करोसी, एक ललित जयसवाल है, एक दो और अन्य साथी थे इनके, कम से कम 50 लोग घर पे आए थे। अचानक इन्होंने जानलेवा हमला करा, हमने दरवाजा लगा के अपनी जान बचाई और फिर पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस आई तो ये लोग गए वहाँ से। ये घटना है ना 5 बजे से पहले की है, थोड़े पहले की है ये। क्या वो लोगों की कोई दुश्मनी आपसे पहले? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये आए दिन आके हमारे घर के दरवाजे पे आके शराब पीते हैं और लड़कों से पैसे वसूली करते हैं, इनके ब्याज के पैसे चलता है मोहल्ले में पूरे, और जो पैसा नहीं देता इनको ये मारपीट करते हैं उनकी। मोहल्ले के रहने वाले वो? ये मोहल्ले के रहने वाले नहीं है, दूसरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, यहाँ आके रोप जमाते हैं मोहल्ले वालों पे। सुना है कि आप लोग तिगरा पार्टी बनाने गए थे, उसके बाद वहाँ विवाद हुआ है? मेरा भाई एक गया था तो वो घर पे आ गया था, उसके घर पे आने के बाद इन्होंने घर का दरवाजा ठोका। ऐसा कौन सा विवाद हुआ कि आपकी लड़ाई वहाँ से यहाँ तक आ गई? विवाद तो हुआ नहीं था, विवाद को रोकने के लिए घर पे आए थे, लेकिन इन्होंने कि हम तेरे पूरे घर को मार डालेंगे। क्या बात, कोई कारण होता है लड़ाई का? कोई कारण तो होता ही है। पैसा मांग रहे थे उससे, पैसा मांगते हैं शराब के नहीं है, पूरे मोहल्ले वालों से, जो पैसा नहीं देता उसको मारते हैं ये लोग। गोली वोली भी चली है वहाँ पे? चार गोली चली है, ईंटें मारी है, पत्थर मारी है, गोली किसके द्वारा चलाई गई? गोली किसके? गाली है ना, यूसुफ ने चलाई है, यूसुफ कुरैशी ने। हमने दरवाजे लगा के दरवाजे के आगे हम सब आड़े हो गए थे, हमने अपनी जान बचाओ करा, देख नहीं पाया। ये कह रहे थे तेरे पूरे घर को मार डालूंगा मैं, आज से इससे पहले भी धमकी दे चुका है ये, क्योंकि ये गुंडागर्दी में रहते हैं। अरुण कुरैशी का आपने नाम सुना होगा, इनके कई बार नाम दर्ज है थाने में, अरुण कुरैशी। और ये शिकायत आज आपने अभी थाने में की? अभी थाने में की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो टीआई साहब कह रहे हैं, वो हमारे संग के लड़के टीआई साहब क्यों बचाव कर रहे हैं, लेकिन टीआई साहब क्यों कर रहे हैं बचाव इनका हमें मालूम नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तकीमुद्दीन है, मैं माधवगंज कंगुल की आड़ में रहता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, ठेला लगाता हूँ। कहाँ पे ठेला लगाते हो? माधवगंज कब्दर की आड़ में मोमोज का ठेला लगाता हूँ मैं। अच्छा, और जो आए दिन आके लड़कों को मारते पीटते, मेरे पे पास भी कभी आते हैं, लेकिन मैं इनसे बात नहीं करता, ताल्लुक आते नहीं रखता मैं। आप भी तिगरा गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं जाता कहीं पर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।